absolutely honored to have such dignitaries and representatives from across the government, NGO sector, our donors, and also members of our community. So long we don't see the child as part of a family, and unless we see our nature of intervention, our format of intervention, our extent of intervention in terms of family as a unit. पर जो एक बच्चे का पिलर होता है, क्योंकि हर एक चीज को, जैसे प्लांट को पानी की जरूरत होती है, ऐसी एक बच्चे को पिलर के तौर पे एक फैमिली की नीड होती है। उद्यान कैसे लोग आए मेरे पास और उन्होंने मेरे को उम्मीद दी। शिक्षा ही सबसे बड़ा हमारा महत्व है, और हम शिक्षा बच्चों को नहीं दे पाएंगे तो हम सलभ जैसे अभी तक सर रहे और हमेशा ऐसे सरते रहेंगे। इस प्रोजेक्ट में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा अपनी फैमिली के साथ रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बच्चे को डेवलपमेंट होने के लिए या उसको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है। उद्यान के वाले जो हमारी कम्युनिटी में आके जो काम कर रहे हैं, एक एक घर में जाके सबसे मिलना, ट्यूशन क्लासेस देना, आर्ट एंड क्राफ्ट करवाना, जिन बच्चों के पास खुद के लिए टाइम नहीं होता उनको बताना कि आप लोग भी आगे चल के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। We have also consciously taken the decision of sending the children back to the family after the children have lived a considerable year of time. Family strengthening concept है वो ध्यान केयर का, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। फैमिली स्ट्रेंथनिंग होगी तो इस कुछ काफी चीजें हद तक sort out होंगी। This initiative with Udayan Care, when they approached Martin James Foundation with this proposal to start working with children who have been sent back to their homes and strengthen these families, that was commendable.